भारत जब भी कोई कदम उठाता है तो उसकी गूंज सिर्फ देश के भीतर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देती है। और हाल ही में भारत की कूटनीति का ऐसा जलवा देखने को मिला है जिससे चीन से लेकर अमेरिका तक के नेता हैरान रह गए हैं। सोचिए, जिस यूक्रेन में आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री कदम नहीं रख पा रहा था, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर न सिर्फ वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई बल्कि 2.5 साल से चल रहे भीषण युद्ध के बीच जाकर इतिहास रच दिया। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि 4 अहम MOU पर सिग्नेचर करके एक मजबूत साझेदारी का ऐलान भी था। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत ने यूक्रेन को एक ऐसी चीज गिफ्ट दी है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। पिछले महीने PM मोदी की रूस यात्रा भी जबरदस्त सुर्खियों में रही, जहां उन्होंने पुतिन के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप दिया। अब कुछ लोग मान रहे हैं कि मोदी जी ने यह सब अमेरिका के दबाव में किया है, लेकिन असल में भारत एक ऐसी मास्टर स्ट्रोक कूटनीति खेल रहा है जिसके बारे में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। ये कूटनीति न सिर्फ भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है बल्कि दुनिया भर में भारतीय कूटनीति का डंका भी बज रहा है। पूरी कहानी क्या है और इसके पीछे की रणनीति क्या है, ये सब हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी भारत की इस ताकतवर कूटनीति पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके छोटे से कदम से हमें बड़ी ताकत मिलती है। दरअसल ये तो सभी को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की धरती पर कदम रख चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत और यूक्रेन के बीच एक ऐसी पार्टनरशिप फाइनलाइज हुई है जिसकी जानकारी शायद ही किसी के पास हो। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए जिसमें साफ साफ बताया गया है कि 1992 के बाद से पहला मौका है जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा की हो। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं थी, यह उस समय की यात्रा है जब यूक्रेन युद्ध की भीषण परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन पहुंचना और राष्ट्रपति जेलेंसी के साथ गले मिलकर गर्मजोशी से स्वागत करवाना एक ऐसा दृश्य था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह कदम इतना महत्वपूर्ण था कि इसकी गूंज ग्लोबल मीडिया में भी सुनाई दे रही है, जहां इसे ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा जा रहा है। इस कूटनीतिक चाल से भारत ने साबित कर दिया है कि वे सिर्फ एक दशक नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में एक सक्रिय खिलाड़ी है। हालांकि चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसकी मीडिया ने भारत के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की है। यह कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि चीन खुद को एशिया का सबसे ताकतवर देश मानता है और उसे भारत की तरक्की और कूटनीति का डंका बजना रास नहीं आ रहा है। चीन की यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक कूटनीति उसकी आंखों में खटक रही है। इसके विपरीत दुनिया के अधिकांश देशों की मीडिया ने भारत के इस कदम की जमकर सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे समय में यूक्रेन की धरती पर कदम रखा जब रूस लगातार उस पर हमले कर रहा था और यूक्रेन का हवाई क्षेत्र पूरी तरह से सील हो चुका था। यही वजह थी कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यूक्रेन जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन PM मोदी ने न केवल इस चुनौती को स्वीकार किया बल्कि पोलैंड से बख्तरबंद ट्रेन में 10 घंटे के सफर के बाद यूक्रेन पहुंचे। इस यात्रा का महत्व सिर्फ उनकी उपस्थिति तक सीमित नहीं था, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंसी से मिलकर युद्ध को शांत करने की अपील की और ये स्पष्ट कर दिया कि भारत सिर्फ रूस के साथ नहीं बल्कि यूक्रेन के साथ भी खड़ा है। इससे ये साफ हो चुका है कि भारत की कूटनीति संतुलित और व्यापक है। PM मोदी ने यूक्रेन को वही महत्व दिया जो रूस को दिया था, जिससे यह संदेश साफ हो गया है कि भारत वैश्विक स्तर पर एक निष्पक्ष और एक मजबूत भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। और यह तो एक शुरुआत है, असली खेल तो तब शुरू हुआ जब दुनिया भर के देशों की नजरें इस वक्त भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय शक्ति पर टिक गई। इसके पीछे की वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। जब से प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंचे हैं तब से लेकर अभी तक रूस ने यूक्रेन पर एक भी हमला नहीं किया, जबकि इससे पहले हर आधे घंटे एक घंटे में यूक्रेन में सायरन बजते रहते थे। लेकिन जब तक PM मोदी वहां मौजूद थे यूक्रेन पर एक भी बम नहीं गिरा। यह घटना अपने आप में एक भारत की वैश्विक ताकत को दिखाने के लिए काफी है। रूस जैसा शक्तिशाली देश भी भारत के आगे ठहर रहा है। लेकिन कहानी यही भी खत्म नहीं होती। भारत के विरोधियों की चिंता तब और बढ़ गई जब भारत ने यूक्रेन के साथ 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डिफेंस और व्यापार संबंधों को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। इन समझौतों के तहत दोनों देश मिलकर डिफेंस, केमिकल उद्योग, ग्रीन एनर्जी और एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। इस साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि मेक इन इंडिया को ग्लोबल मार्केट में और भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि यूक्रेन की कंपनियां भी भारत की उत्पादन इकाइयों में अपनी रक्षा उपकरणों का विकास कर सकेगी। यूक्रेन एक यूरोपीय देश होने के नाते टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के टॉप देशों में गिना जाता है, खासकर मशीनरी और कंपोनेंट टेक्नोलॉजी में। इसलिए इस साझेदारी से भारत को एक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा जो वैश्विक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा। यूक्रेन के साथ मिलकर किए गए समझौते केवल आर्थिक और रक्षा संबंधों तक सीमित नहीं है बल्कि ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें, भारतीय सेना के पास बड़े बड़े युद्ध पोत यानी वॉरशिप्स, जिनका भारत की समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है, उनके इंजन का निर्माण भी यूक्रेन में ही होता है। भारत लंबे समय से यूक्रेन के साथ इन उच्च गुणवत्ता वाले इंजन की खरीदी कर रहा है। यूक्रेन की प्रमुख कंपनी जोरिया मास प्रोडक्ट भारतीय नौसेना को गैस टर्बाइन वाले इंजन की सप्लाई करती है जो अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। इंडियन नेवी इन इंजनों का उपयोग अपने युद्ध पोतों में पिछले कई सालों से कर रही है और अब यूक्रेन से 136 इंजन भारतीय युद्ध पोतों में लगाए जा चुके हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की यह कंपनी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत में ही गैस टर्बाइन इंजन बनाने की योजना पर काम कर रही है।
अगर ये साझेदारी सफल हो जाती है तो ये भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम आगे ले जाएगी। इसका मतलब यह है कि मेक इन इंडिया को यूक्रेन के साथ मिलकर और भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत न केवल अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएगा। भारत की यह आत्मनिर्भरता की यात्रा न सिर्फ देश की सुरक्षा को नई मजबूती देगी बल्कि दुनिया भर में यह संदेश भी भेजेगी कि भारत अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा। इस साझेदारी के साथ भारत ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो उसे विश्व के अग्रणी देशों की कतार में और भी मजबूती से खड़ा कर देगा। इसके अलावा पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा का एक और दिलचस्प पहलू है जिसकी चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है, वो है एक अनोखा गिफ्ट जिसे पीएम मोदी ने यूक्रेन के लिए खास तौर पर तैयार किया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पोर्टेबल हॉस्पिटल की, जिसे भारत ने यूक्रेन को एक गिफ्ट के रूप में सौंपा है। यह गिफ्ट न केवल यूक्रेन के लिए अप्रत्याशित था बल्कि इसने वहां की सरकार और जनता दोनों को चकित कर दिया है। यह पोर्टेबल हॉस्पिटल एक तरह से अत्याधुनिक तकनीक का उदाहरण है जिसे पैराशूट की तरह खोलकर जमीन पर कुछ ही समय में एक पूरी तरह से कार्यशील अस्पताल के रूप में सेट किया जा सकता है। इसमें सारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जो एक स्थायी अस्पताल में होती हैं। इस अनोखे अस्पताल का नाम भीष्म रखा गया है जिसका मतलब है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। सबसे खास बात यह है कि इस तरह की मेडिकल फैसिलिटी अभी तक किसी देश के पास नहीं है और यह पहली बार है जब किसी देश ने इसे यूक्रेन को उपहार के रूप में दिया है। इस यात्रा के दौरान भारत ने यूक्रेन को ऐसे 4 पोर्टेबल हॉस्पिटल सौंपे हैं। यह गिफ्ट केवल यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। कई देशों की नजरें तो इस अनोखे मेडिकल समाधान से हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं और यह यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंसकी के लिए एक गर्व का कारण बन गया है। यह गिफ्ट उस समय आया है जब अधिकांश देश दुनिया के 2 ध्रुवों में बढ़ चुके हैं और इस बीच भारत के पीएम मोदी ने साहस का परिचय देते हुए यूक्रेन से युद्ध को शांत करने की अपील की। अब देखने वाली बात होगी कि क्या भारत रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस संघर्ष को शांत कराने में सफल हो पाता है या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि पीएम मोदी की यह यात्रा उनके द्वारा दिए गए एक अनोखे गिफ्ट ने वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को और भी सशक्त बनाया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।